अस्सलाम वालेकुम आर्ट लवर्स, आज हम कैनवास पेंटिंग की क्लास लेंगे। देखिए, बच्चों को अक्सर स्कूल में कोई ना कोई एक्टिविटी करने को मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि कैनवास पेंटिंग बच्चों की एक्टिविटी में एक बहुत ही अच्छा उनकी स्किल्स को डेवलप करने का तरीका है। कैनवास बनाना बहुत आसान है। देखिए, मार्केट से किसी भी साइज के कैनवास मिल जाते हैं। जैसे ये एक कैनवास है, 10x10, 10x10 का कैनवास है। ये थैली में पैक है इस वक्त। इसको बहुत आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं जब भी कैनवास पेंटिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं किसी भी साइज का कैनवास हो उसको पानी से स्प्रे कर देता हूँ। वॉश बेसन में रखकर या वॉशरूम में जाके उसको मैं पूरा गीला कर देता हूँ और कुछ देर के लिए उसको मैं सूखने के लिए रख देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अक्सर कैनवास के ऊपर पाउडर लगा हुआ होता है और जब हम कलर करने जाते हैं तो कैनवास जो है वो बहुत ज़्यादा कलर को जश्न कर लेता है, या आसानी से कलर नहीं होता, या उसका पाउडर कलर में मैच होकर थोड़ा सा कलर को लाइट कर देता है। तो पानी लगाने से, स्प्रे करने से ये होता है कि इसके अंदर जो पाउडर होता है, ये कपड़ा कैनवास जो है वो उसको जस्प कर लेता है और फिर हमारा कलर भी कम यूज़ होता है। अच्छा, कैनवास पे बहुत आसान तरीके से जो कलर हम कर सकते हैं वो है एक्रेलिक कलर। ये एक्रेलिक कलर की एक ट्यूब है जो मार्केट से तकरीबन 180 रुपये की आपको मिल जाएगी। एक ग्रीन है मेरे पास और एक वाइट है। अच्छा, मार्केट में कुछ एक्रेलिक कलर जो हैं वो मैं आपको बताऊं, इस तरह के आपको छोटे छोटे डब्बे में भी मिल जाएंगे। तो अगर आप मार्केट में जाएं लेने के लिए तो जैसे उसमें आपको वो बताते हैं कि ये 75 ml इसमें कलर है, जबकि आप ये लेंगे तो ये 100 ml से ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। और ये है भी 150 का और ये तकरीबन 180 की ट्यूब है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्यूब ही परचेज कीजिए। आप जो है वो इस तरह के जो छोटे छोटे डब्बों में जो कलर आते हैं, छोटी छोटी टीन के अंदर या प्लास्टिक में, तो वो ना लीजिएगा, क्योंकि इसका मटेरियल ज़्यादा बेहतर नहीं होता, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक्रेलिक जो है वो ट्यूब के अलावा कोई कलर लें। अच्छा, एक्रेलिक यूज़ करना बहुत आसान है। आप एक प्लेट में या छोटी डब्बी में या जो है वो कलर शीट ले लें, उसके ऊपर आप थोड़े से कलर निकाल लें और कलर निकालने के बाद उस कलर के ऊपर भी स्प्रे कर दें, क्योंकि ये कलर जो है वो फिर सूखने में बहुत टाइम लेंगे। अच्छा, ब्रशेस मैं आपको बताऊं, मुख्तलिफ तरह के ब्रशेस मेरे पास रखे हुए हैं। देखें, मुख्तलिफ साइज़ के हैं, मार्केट से आपको मिल जाएंगे 50 रुपीज़ के, 30 रुपीज़ के साइज़ के एतबार से, और 150 रुपीज़ का एक भी है। अगर उसकी साइज़ अगर आप देखें 1 या 2 साइज़ का अगर आप ब्रश लेंगे तो वो थोड़े से महंगे। पूरे पूरे सेट भी हैं, 500, 550 वगैरह के। तो सबसे अच्छे ब्रश तो वो हैं कि जो बाकायदा किसी जानवर के हेयर के बनाए गए हों, ठीक है, जैसे मून ब्रश वगैरह। तो वो ज़्यादा महंगे भी होते हैं और ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, क्योंकि कलर को ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम कलर कैनवास पे करते हैं तो ज़्यादा देर तक कलर हम कर पाते हैं, बार बार उठाना नहीं पड़ता। तो आप कैनवास खरीद लें, कैनवास पे आउटलाइन ड्राइंग कर लें, कुछ भी बना लें। जैसे अभी सितंबर के हवाले से डिफेंस डे की एक्टिविटी चल रही है, तो हम उसके ऊपर जहाज़ बना लें या हेलीकॉप्टर बना लें या टैंक बना लें, और ड्रॉ करने के बाद पेंसिल से हम बच्चों को दे दें और फिर बच्चे उसके ऊपर कलर करें। अब मैं बताऊं आपको, ये हमारे भतीजे हैं अहमद रज़ा, इन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ ये कैसे कर रहे हैं। ये देखें, ये अहमद रज़ा जो है वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक्रेलिक हमने थोड़ा सा एक डब्बी में, इसमें एक प्ले प्याले में निकाल लिया और उसके ऊपर मैंने हल्का सा स्प्रे कर दिया पानी का, और कैनवास पर मैंने अहमद रज़ा को
छोटे छोटे जहाज़ और हेलीकॉप्टर, टैंक और सोल्जर्स ड्रॉ करके दे दिए। अब वो जो आउटलाइन मैंने लगाई है, अहमद रज़ा जो है वो उस पर कलर कर रहे हैं। देखें कितना इजी है इसको परफॉर्म करना। एक अच्छा कैनवास बन जाएगा, आपकी वॉल पे एक पेंटिंग का इजाफा हो जाएगा। देखें अब आहिस्ते आहिस्ते जो है वो अहमद रज़ा अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने कैनवास को। हाँ भाई अहमद, आसान है मुश्किल है? आसान है, हाँ मज़ा आ रहा है। कहाँ लगाओगे पेंटिंग? अपने घर में? अरे वाह, चलो मिस को दिखाओगे स्कूल में लेके जाके? हाँ चलो फिर अच्छी सी बनाना, हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे अहमद कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है।